नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला। इस कार्यक्रम के तहत हम आज जानेंगे वार्ड क्रमांक 38 शहीद चूड़ामणि वार्ड का हाल, कि आखिरकार यहाँ की जनता क्या चाहती है, कैसा पार्षद आगामी उनको चाहिए और क्या वर्तमान पार्षद ने यहाँ पर काम किए हैं। तो यहाँ पर वार्ड में जाकर ही हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वार्ड की ओर। शहीद चूड़ामणि वार्ड में हम आ पहुँचे हैं। यहाँ पर वर्तमान पार्षद भाजपा के आशीष अग्रवाल हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी परेशानियाँ यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। हम इस वार्ड के एक ऐसे मोहल्ले पर हैं जहाँ पर गंदगी का जो आलम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। नालियाँ बजबजा रही है, यहाँ के जो नालियाँ हैं वो काफ़ी, इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है और नालियों की सफाई बराबर यहाँ पर नहीं हो रही है। इस वार्ड का हम जब हाल जानने निकले हैं तो सभी वार्ड से में सफाई की जो परेशानी है वो निकल कर सामने आ रही है। तो देखा जाए तो लगातार ये जो परेशानियां हैं वो हर वार्ड में निकल कर सामने आ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा वार्डों में सफाई है। तो हम शहीद चूड़ामणि वार्ड में आ पहुँचे हैं और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो वर्तमान पार्षद है उन्होंने यहाँ पर क्या काम किए हैं और उनको आगामी कैसा उम्मीदवार चाहिए। आप बताइए कामकाज कैसा है पार्षद का यहाँ पर? कामकाज जो है पार्षद की, ना तो वो मुलाकात करते हैं, 5 साल से वो केवल एक बिजनेसमैन की तौर पर काम कर रहे हैं। 1 घंटा वार्ड में समय देते हैं, अपने प्रतिनिधियों को वो नियुक्त कर दिए हैं जिनका ना बात करने का ना एक स्वभाव है। आम जनता से केवल तू तड़ाक से बात करते हैं और लगातार यहाँ पर अगर कोई छोटा छोटा विकास होता है, कोई गरीब आदमी अपना मकान बना रहा है, तो पार्षद का एक आदमी जाके वहाँ उन काम को रोकवा के अवैध वसूली करता है। तो ये केवल ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो आम लोगों को परेशान करने का और उनसे पैसे लेने का कार्यकाल रहा है। क्या बड़े मुद्दे हैं इस वार्ड के, और अभी आज चुनाव आने वाला है तो क्या बड़े मुद्दे इस वार्ड के होंगे और कैसा पार्षद आपको आने वाले समय में चाहिए? इस वार्ड का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये घना आबादी है। घना आबादी होने के नाम से यहाँ पानी का निकासी नहीं है। हमारे वार्ड में लगातार 7 तालाबें हैं, तो जो पानी का निकासी वो सारा पानी जो है तालाब में जाता है, उसी से लोग सुबह से नहाते धोते हैं। ये बड़ा मुद्दा है, पानी का बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा सफाई व्यवस्था का। ये और हमारे वार्ड में जो लगातार छोटे छोटे विकास कार्य, अगर कोई आदमी अपने घर का छोटा सा नाली भी निकाल रहा है तो उसमें पार्षद का हस्तक्षेप होता है। अगर कोई आदमी भागीरथी नल जल योजना के तहत, अगर मान लो कोई पानी पाइपलाइन खींच रहा है गरीबी रेखा के तहत, उसमें पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं वो 3,000, 4,000, 5,000 वसूलते हैं। तो सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है उनमें भी दलाली का एक माहौल चल रहा है। सबसे बड़ा आरोप है क्योंकि शासन की योजनाओं का लाभ सीधे जनता को यहाँ पर मिलना चाहिए, लेकिन इस तरीके से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि शासन की योजनाओं में निश्चित रूप से यहाँ पर बंदरबांट हो रहा है और जो काम है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। छोटी छोटी जो समस्याएं रहती हैं, मूलभूत सुविधाएं, चाहे सड़क, पानी, बिजली, उसको लेकर भी इस वार्ड में ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा लोग यहाँ पर लोगों का कहना है। लेकिन इस जैसे सभी वार्डों में जो समस्याएं निकल कर आ रही है, सफाई इस वार्ड में भी बड़ा मुद्दा है। कुछ महिलाएं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, का परेशानी आवत है अभी वार्ड में, पार्षद कुछ काम करे? कुछ करे नहीं भैया, ना हमारे घर में नल नहीं दे, नल दे हूँ कहते रही, 1 महीना 15 दिन में नाली साफ होते, ना हमारे मन के निराशी बना के दीस, ना पेंशन नहीं मिले, बस राशन कार्ड बस मिले हैं, वो भी वो तरफ से मिले, सरकारी तरफ से, राजीव गांधी जीती से भी तो वो दे है भी कार्ड, नहीं तो हमारा कुछ काम नहीं करे पार्षद। पार्षद यहाँ जाता तो हमारा कोई सुनाई नहीं है, का बोलते देखेंगे ऐसे बोलते, अब कुछ तो करे नहीं, ना साफ सफाई कराए, नल के बारे में जाते तो हमारा कोई सुनबे नहीं करे, और कुछ भी चीज़ ला बोलते तो हमारा सुनबे नहीं करे, तो के बार जाबो भैया वहाँ पर बार उखर गैस भी फायदा नहीं, गैस भी ला सब ला दे है 2-4 जन ला, अब बाकी कोई नहीं मिले, बस आते जेकर नाम क्या थे वो वापस हो जाती है। तो व्यवहार कैसे पार्षद के? ठीक नहीं है भैया हमारे बर्थ, पार्षद के व्यवहार हमारे बर्थ ठीक नहीं है। तो गली मोहल्ला में घूमे पर आते हो, समस्या देखते? नहीं, नचारा का थे इसे हर हमेशा नहीं आए, कभी कभी जब कुछ काम पड़ते ना तब आते, इसे हर हमेशा नहीं आए। समस्या है सबसे बड़े वार्ड में? समस्या वही है भैया गंदगी मोहल्ला के,
कचरा है 8 दिन 15 दिन में झाड़े पर आते नाली। आओ दो जन लेडीज मन आते हर महीना बोलते कि पैसा दे डब्बा मिलेगा सूखा कचरा धरने के लिए अलग कचरा अलग। आओ डब्बा बहुत कुछ मिला ही नहीं, बस ऐसे आते हैं पैसा ले जाएंगे मान के चल देते हैं। आप कहाँ आते पैसा लेके भाग गए कचरा झाड़ हूँ कही की और वो कचरा धर के हमारे सड़क को पड़ जाते हैं फेंके पर। सरकार के योजना का भी फायदा नहीं दिलवा सकता। हाँ, हाँ, कुछ नहीं करी हमारे पर, हमारे कोई मतलब ही नहीं है। हमारे मोबाइल नहीं मिले है, कोई ला मिले है कोई ला नहीं मिले है। वहाँ जाबे तो बोलते अभी नाम नहीं है नाम नहीं है, बस वापस आ जाता है। कितना बेर जाबो खर पास में महिला मन के जो योजना है उकर फायदा कुछ मिल पावत है? हाँ कोई योजना कुछ योजना नहीं है भैया, बस ये तो घर का काम बुता कर घर में पड़े हैं ना, कहाँ का फायदा है कुछ का फायदा नहीं है। तो वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की कमी यहाँ पर नजर आ रही है, कुछ और लोग हैं आप बताइए। 5 साल पहले पार्षद आशीष अग्रवाल को आपने जिताया था, क्या बड़े काम यहाँ पर किए हैं उन्होंने और समस्याएं क्या अभी भी उत्पन्न है? समस्याएं बहुत है यहाँ पे, ऐसा कोई काम खास नहीं किया है वो जो करना चाहिए। आज भी मोहल्ले के अंदर गंदगी इतना हो है कि नाली का जो कचरा है 8-8 दिन तक पड़ा रह जाता है, उठाते नहीं है। इससे मतलब प्रदूषण में फर्क आ गया है, बहुत फर्क आ गया है। चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? अभी पार्षद का चुनाव आने वाला है, 21 तारीख को चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? अब चुनाव मुद्दा ये है कि पुराना के जगह अब देखें क्योंकि नए को बैठाएंगे। पुराना कोई मुद्दे के आधार पर वोट डालेंगे, वार्ड के क्या मुद्दे रहेंगे? वार्ड के मुद्दे जो है तो समाज वाले तय करेंगे, उसको मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता। बताइए क्या कुछ काम यहाँ पर हुआ है और क्या काम की अभी भी जरूरत है यहाँ पर? कुछ काम तो नहीं हुआ, काम एक करवाया है जो आमा तालाब था, यहाँ बहुत तालाबों का वार्ड है, ये बहुत सारा लाइन से 7 तालाब है। आमा तालाब पहले से अच्छा था, उसमें खुदाई के नाम से करोड़ों रुपए लाखों रुपए का टेंडर किया गया, लेकिन आज तालाब वैसे का ही वैसा ही पड़ा गया, ना उसमें कुछ हुआ, उसमें खाली पैसा खाकर वो कर दिया। मूलभूत सुविधाएं पानी बिजली सड़क उसको लेकर ध्यान पार्षद नहीं दे रहे हैं? पार्षद कोई आता है यहाँ? साल भर 1.5 साल हो गया जब से विधानसभा चुनाव हुआ है, वहाँ पार्षद आता ही नहीं है। मतलब व्यक्तिगत तौर पर संपर्क लोगों के नहीं करते वो? नहीं। समस्या जानने की कोशिश नहीं, समस्या जानने की कोशिश नहीं। समस्या आवाज़ साफ सफाई नहीं हुए, अब कहीं कुछ उबर बोले बर जाते तो गुर रहा थे खिसियाए लगते जाते तो साफ सफाई करेला इसे कह के बोलते। नाली बन के साफ सफाई नहीं? हाँ नहीं हुआ। समस्या सबसे बड़ी सफाई है? हाँ सफाई है। तो आने वाला समय में कैसे पार्षद चाहत हो क्या काम कुछ करे? साफ सफाई होए, जो उनके कुछ चीज के हो तेला सुने। हाँ। और कहे चीज बर जामन तो बैठ उठ के कहे वो कुछ बोलबे नहीं करे। धुआं में हमन धुआं में बर्तन नाम लगे मिले, आधा जलना दे आधा जलना नहीं दे गैस चूल्हा है नहीं देवाते थे हम ध्यान देते तो कोयला मिले कोयला नहीं मिले है, जेकर में है तेला मिले जेकर में नहीं है तेला नहीं मिले बोला देना चाहिए ना। परेशानी जाने पर नहीं आएगा? पर नहीं जाने पर आवा है, जाने पर आती तो ऐसे होती। पेंशन के लाभ मिला दादा जी? नहीं। पार्षद का बोलते गे होकर करा को बार कई बार, सब खाली दलाली का काम है उनके पास और कुछ नहीं है उसके पास। भाई वही मुद्दा है बस, आ रहे हैं आता भी नहीं, जब भी बुलाओगे तो देखने के लिए आप बोलोगे तो आते ही नहीं। आप कैसे पार्षद चाहिए तुम? हमको तो अच्छा पार्षद चाहिए, पार्षद जो घूम घूम के खुद देखे पूरा मोहल्ले को, जहाँ जहाँ तक उसका वार्ड है वो हम चाहते हैं। पार्षद का दायित्व रहता है जब वो चुनाव जीतते हैं तो उनका ये दायित्व रहता है कि वार्ड में जाकर लोगों की समस्याएं वो जाने, खुद वहाँ पर पहुँचे और लोगों से बात करें, तो ऐसा कुछ दिखाई दिया कि वर्तमान पार्षद को? नहीं वही है सब दलाली दलाल, पैसा मांगते हैं पैसा मांगते हैं, जिस भी काम होता है पहले पैसा दो जिससे बात काम हो जाते हैं, थोड़ा सा पेपर तो साइन करते दे देते हैं भूल जाते हैं, हम आते तो नहीं है 15 साल भर में एक बार चेहरा देते हो। कमीशन का खेल चल रहा है? कमीशन खाली कमीशन, और चुनाव में आएंगे चुनाव में हाथ पर जोड़ने आएंगे, फिर उसका हम तो चेहरा नहीं देखना चाहते, नया पर बना रहे हैं। पानी पर्याप्त तौर पर मिलता है यहाँ? नहीं नल तो है पानी मिलता है, फिर बीच में बंद हो जाता तो अभी तो साफ सफाई कर रहे थे तो अभी नल पानी आ रहा है। लेकिन मेन मुद्दा सफाई का है? हाँ सफाई, वो भी सफाई में तो दलाली मानते हैं ना, पैसा देते हैं लेडीज लोग। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं, आप बताइए भैया शासन की जो योजनाएं रहती है पार्षद के काम होना चाहिए कि उन शासन की योजनाओं को, चाहे किसी भी पार्टी का हो, शासन की जो योजनाएं हैं वो उनके वार्ड के लोगों तक पहुंचे, तो क्या लगता है
वो शासन की योजनाओं का फायदा यहाँ पर पार्षद ने मदद की है क्या लोगों की, जो शासन का जो योजना है उसका फायदा लोगों को? यहाँ पर ऐसा है कि शासन का योजना तो लागू हो जाती है, लेकिन यहाँ जो दलाल बैठे हुए हैं ना, वो अपने चिन्हांकित करके उन्हीं को फायदा देते हैं जो उनके अपने आदमी हैं, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी फायदा आप देख लीजिए, चाहे राशन कार्ड हो उसमें भी दलाली, चाहे वो गैस कनेक्शन हो उसमें भी दलाली, चाहे मोबाइल हो उसमें भी दलाली, टोटल यहाँ दलाली का खेल चल रहा है। ये पूरे यहाँ पर जितने जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि पार्षद के और पार्षद भी हैं, पार्षद के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, जो भी जाते हैं, मतलब यहाँ के जितने भी गए हुए हैं, उनको चिन्हांकित करते हैं, हाँ आप कांग्रेस के हो कि आप भाजपा के हो, ऐसे करके टोटल दलाली चल रही है। और अगर कांग्रेस वालों की काम भी करते हैं तो उनमें सिर्फ कमीशन खोरी करके काम होता है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। शहीद चुड़ामणी वार्ड में काफ़ी मूलभूत जो समस्याएं हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। हर वार्ड में जो तकलीफें सामने आई हैं, सफाई का जो मुद्दा है इस वार्ड में भी बना हुआ है। इस वार्ड में काफ़ी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर नज़र आ रही है, पर्याप्त तौर पर नाली की सफाई नहीं होती। इस तरीके से महिलाओं का सीधा आरोप था कि जो महिलाएं बीच बीच में आती है, हर महीने पैसा लेकर वो जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से जो निगम का जो योजना है, जो गीला कचरा रखने के लिए जो बाल्टी दी जाती है, सूखा कचरा रखने के लिए जो बाल्टी दी जाती है, वो बाल्टी तक उनको यहाँ पर नहीं मिला है। तो ये काफ़ी समस्याएँ यहाँ पर निकल कर सामने आ रही, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने जो बड़ा आरोप पार्षद पर लगाया है, एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि पार्षद बिना कमीशन के यहाँ पर कुछ काम नहीं करते, अगर शासन की योजनाएं रहती है तो उसका फायदा पहुंचाने से पहले वो कमीशन की बात करते हैं, और अगर किसी योजना का फायदा यहाँ पर पहुंचे तो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो सीधा कमीशन मांगते यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो बड़ा आरोप यहाँ के लोगों ने पार्षद पर लगाया है, और पार्षद के प्रति लोगों में जमकर आक्रोश चुड़ामणी वार्ड में दिखाई दे रहा है। तो वार्ड क्रमांक 40 ठाकुर प्यारे लाड वार्ड पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वर्तमान पार्षद दिलीप यदू हैं, भाजपा के पार्षद हैं, उन्होंने चुनाव जीता था, और क्या वादे उन्होंने किए थे, कितने वादों पर वो खरा उतरे हैं, और क्या समस्या वार्ड की है वहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में हमारे साथ महिला, बुजुर्ग और युवा मौजूद हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिन पार्षदों को 5 साल पहले उन्होंने जिताया था, उन्होंने आखिरकार कितना काम किया है, कि पार्षद के काम काज कैसे है? नहीं है कुछ नहीं है, वो कर वाला हटाना चाहिए, ये पार्षद है बहुत, वहाँ आते गली में घुसा ही नहीं, कोई जमादार पर ऐसे ओला बोल देते, कोई ऐसी साफ मत करो कि वह बोल देते, ये पार्षद होना चाहिए नहीं, बिल्कुल बड़ी समस्या है वार्ड में, बहुत समस्या है। गंदगी जान देखे गली अंदर पूरा गंदगी है, महीना दो महीना में एक बार साफ करा रहा थे, वो नहीं हर दिन एक दिन साफ नहीं होते, अब कचरा है एक महीना तक ले पड़े रही थे, बताते तो क्या बोलते, वो बताता तो ज़्यादा बहस मत करो, हम एक जन नहीं भेजबो कि थे वहाँ पार्षद है, पार्षद करा फोन भी करता, हाँ नहीं आवा मैं नहीं उठावा इसे कि थे, पार्षद कुछ बड़े काम नहीं करे, कुछ काम नहीं करे पार्षद है, कैसे पार्षद चाहिए तुम अल्लाह आने वाला में, कैसे उम्मीदवार वाला पार्षद चाहिए, ये पार्षद चाहिए नहीं, हमारे काम पूरा नहीं हुआ था तो क्या काम के पार्षद बने से, ये पार्षद है कोई मतलब है कि नहीं है, आए हमारे दुख सुख के साथ नहीं है तो क्या पार्षद है, वहाँ आए मरे पड़े तो मरे छ है, कोई सहारा नहीं हुआ, एक रुपया का सहारा नहीं है, अरे नहीं देते तो जान दे, हम सहग तो खड़ा होते थे घूम आके, हाँ ये जैसी चीज करेल कहा था वो चीज करना चाहिए ना, तो नहीं भैया। चल आप बताओ क्या बड़ी समस्या है वार्ड में? वार्ड में तो अच्छा है, ऐसे कोई समस्या नहीं है, पर पार्षद यही है, मतलब कुछ काम नहीं करते पार्षद, तो यहाँ पर निरीक्षण करने आते हैं कि नहीं? यहाँ नहीं आते हैं, ऐसे और चले जाते हैं गाड़ी में, पर किसी से बात नहीं करते, किसी से कुछ नहीं बोलते। क्या दिक्कत आ रही है अभी वार्ड में, क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड में तो बहुत समस्या है, क्या बात करें, समस्या है। तो 5 साल में दूर करने की कोशिश नहीं की है क्या? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, बस अपनी जेब भरे हैं। तो कैसा पार्षद चाहिए हमको? अच्छा चाहिए पार्षद जो मतलब हमारे मोहल्ले को वो साफ सफाई कर सके, हर चीज मतलब आ सके, सुख दुख हर चीज में हम लोग को कर सके, ऐसे पार्षद हमको चाहिए। पानी बिजली को लेकर ध्यान दिया है यहाँ? पानी वानी नहीं है भैया, यहाँ पानी नाला लगाऊँ कि नाला लगावे नहीं करे, कई बार हो गया हम लोग घर में जा जा के ना। जो पेंशन और ये सब राशन कार्ड के फायदा मिलते हैं? हाँ वो तो है भाई, पास है, वो तो सब है। मेन समस्या का है वैसे कुछ समस्या नहीं भैया,
साफ सफाई तो ये सब थोड़ा होवा थे भाई, फिर वही कचरा मन निकाल के रख देते, दो दिन तीन दिन रखा रहे थे, कचरा मन फेंका ही नहीं। कोई बड़े भवन या कुछ बने हैं वार्ड में 5 साल में, पार्षद काम काज से कैसे लगते? बना कहाँ भवन थे, मेरे बने नहीं बने कुछ नहीं बने, नहीं नहीं कुछ नहीं बना है 5 साल में। तो आदमी से सीधा जुड़ाव रखे पार्षद, समस्या मतलब दूर करते हैं? वो जिसका करते होंगे उसका करते होंगे भैया, पर मंगल बाजार में ना कभी नहीं, मतलब किसी का नहीं किए हैं। बाजार में भी काफी तकलीफ है? बाजार में तो बहुत तकलीफ है, ऐसे तकलीफ के बच्चे लोग ऐसे बीमार पड़ते हैं, मच्छी वाले लोग ऐसे पड़ते हैं, बाजार को कितना बोल दे हटाने के लिए बोल दे पर नहीं हटाए, अरे भैया दूसरा ला के रख दो, हरा सब्जी वाला ला के रख दो, मच्छी फसा हटा दो, ऐसे बोल के हमने तो भी से मतलब मच्छी वाले लोग नहीं हटाए हैं। ये मिली जुली प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही, कुछ और लोग हैं, 5 साल पहले जो पार्षद आप लोगों ने जिताया था, इतना काम यहाँ पर उन्होंने किया है और क्या काम बाकी रह गए हैं? अरे बहुत सारा काम बाकी है, ऐसी बात ही नहीं, बात सवेरे आता है एक चक्कर लगा देता है, ऑर्डर देके चले जाता है, वो ऐसा पार्षद है अपने पार्षद क्या काम था, जो सही ढंग से रहता नहीं, काम करता नहीं है, बस सुबह आएगा बस शक्ल दिखाया चला जाएगा, बाकी कोई काम तो होता ही नहीं। हमको ऐसा पार्षद चाहिए जो जवान का पक्का रहे, जैसे कि हमारे भूपेश भगेल सिंह जो बोल दिया, यानी वो पत्थर की लकीर, ऐसा पार्षद चाहिए, ये जूते लबरा वापी ऐसा पैसा था ऐसा पार्षद नहीं चाहिए। मतलब जो वादे किए तो पूरा नहीं किया? कहाँ किया, कुछ नहीं किया, देख तो रहे हो आपकी पूरी समस्या क्या बताएं आपको। कोई बड़ा काम हुआ? कोई बड़ा काम नहीं हुआ, कोई भी बड़ा काम नहीं, समस्या थी वो बनी है बस, वो वैसी सीखे वैसी है आपको। आप बताइए भैया, मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए रहती है, पानी बिजली सड़क, उसको लेकर क्या है वार्ड का हाल? पार्षद ने कुछ काम किया है जो वादे उन्होंने 5 साल पहले किए? पार्षद को बड़ी उम्मीद थी, जनता जिताती है, 5 साल अपने बीच का जनप्रतिनिधि बनाती है। ठाकुर प्यारे लाल वार्ड का पार्षद जो खुद ही अपने परिवार के साथ मिल के ठेकेदारी चला रहा हो और अपना घर भर रहा हो तो वार्ड की जनता का क्या सेवा करेगा। 5 साल के अंदर सिर्फ जुमलेबाजी उन्होंने काम किए, काम कुछ नहीं वार्ड के अंदर। और रही बात 70 वार्ड के अंदर, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी चुनाव उसको जिता के लेके आएंगे और अपना मेयर महापौर बनाएंगे। आप बताइए, राशन कार्ड पेंशन को लेकर काम हुआ है यहाँ पर? नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं करवाया। तो आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जाते हैं तो कुछ नहीं, अब राशन कार्ड तो हमारा भीम भाई ये क्या बड़ा काम कुछ हुआ है यहाँ पर? जैसे मूलभूत सुविधाएं रहती है, पानी बिजली सड़क, सफाई होती है बराबर है? नहीं नहीं हो रहा। अच्छा, तो गंदगी सबसे बड़ी समस्या है? हाँ गंदगी की समस्या। भैया आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे वार्ड में आने वाले चुनाव में? भैया सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ, पानी तो खैर लगभग ठीक है, उतना पानी की किल्लत नहीं है, लेकिन गर्मी में पानी की भी किल्लत होती है। ये एरिया में बाजार लगता है, बाजार बहुत बड़ा बाजार है, साप्ताहिक बाजार है, मंगलवार और शुक्रवार को बाजार लगता है, पूरे आसपास के कम से कम 50,000-60,000 के 5-7 वार्ड के जो भी मतदाता है या पब्लिक है यहीं से बाजार लेती है। बाजार हटने के बाद जो गंदगी यहाँ होती है वो गंदगी एक एक दो दो दिन तक पड़े रहती है, जो बरसाती है उसको हटा, नगर निगम यहाँ से टैक्स लेती है बाजार का, लेकिन साफ़ सफाई की व्यवस्था नगर निगम नहीं करती है। और इनका प्रशासन व्यवस्था अच्छा नहीं है, आदमी है लेकिन उससे कोई काम लेने वाला नहीं, कर्मचारियों से काम नहीं ले पाते ये, इसलिए सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। बड़ा काम हुआ है इस 5 सालों में? नहीं ऐसा कोई बताने का लायक बड़ा काम नहीं हुआ है। क्या बताइए भैया, पार्षद इसलिए आप चुनते हैं कि आप लोगों का सीधा वो आपसे जुड़े, आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर करें, तो इसको लेकर कुछ हुआ काम? वैसे तो लगता नहीं है, वो आते हैं सवेरे 1 घंटे के लिए घूम के हाथ हिला के चले जाते हैं, वैसे किसी से वो जानकारी लेते नहीं है कि यहाँ समस्याएं क्या है, बात करें हमसे कंट्रीब्यूशन करें तो हम बताएं उनको कि यहाँ समस्या क्या है, वो तो सुनते नहीं है किसी की, समस्याओं को लेकर बात नहीं करते कुछ, किसी से कोई बात नहीं करते, वो आते हैं अपना गाड़ी में और घूम के चले जाते हैं। भाई हमसे कुछ बात करें कि आपकी समस्या क्या है तो हम बताएं उनको, हमसे कोई बात ही नहीं करते, हमने हमारे साथ कम्युनिकेशन ही नहीं करते तो हम क्या बताएंगे उनको। और वो खुद सफाई का ठेका चला रहे सुनने में आता है, उनके परिवार का आदमी, और उसके बाद सफाई हमारे यहाँ क्या हाल है आप सभी के मुंह से सुन रहे हैं। हमारे वार्ड में तो भी अब पिछले 10 वर्षों से बीजेपी का पार्षद है, जो कि हमारे वार्ड में अभी 10 वर्षों से कोई भी काम नहीं हुआ है, हमारे वार्ड में विकास के कार्य के नाम से कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। क्या काम होने चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा अभी चुनाव में? हमारे वार्ड में ऐसे कई समस्या हैं भैया, जैसे नाली, कई जगह नाली साफ़ नहीं होता, जैसे जैसे छोटा छोटा नाली है उसको हम लोग कई दिन से बोल के रखें, कई वर्षों से बोल के रखें इसको, भैया नाली को थोड़ा चौड़ीकरण कराओ, या तो हो नहीं पा रहा है। तो
कैसा उम्मीदवार चाहिए और कैसा पार्षद चाहिए अभी आने वाले समय में आप लोगों को? अभी तो फिलहाल ये पार्षद हम सभी को नहीं चाहिए, और चुनेंगे अच्छा पार्षद जो अपना देख रेख मोहल्ले का विकास अच्छा करे। इस पर ठाकुर प्यारे लाड वार्ड के लोग जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि पार्षद ने सफाई के मामले पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, और आने वाले चुनाव में सफाई सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर होगा, क्योंकि नियमित रूप से यहाँ पर सफाई नहीं होती, 2 महीने या 3 महीने में एक बार नालियों की सफाई यहाँ पर हो रही, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर सामने आया। हालांकि पार्षद पर यह आरोप भी है कि वो सीधे तौर पर जनता से जुड़ते नहीं और जो समस्याएं हैं वो सुनते तक नहीं हैं। तो ये वार्ड ठाकुर लाल प्यारे वार्ड के लोगों की राय थी, आने अगले वार्ड में जाकर देखेंगे वहाँ पर क्या समस्याएं हैं, वार्ड के लोगों का क्या कहना है। कैमरा मैन रेखराम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।